दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन हुआ है जिससे आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में और आगे आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव पे भी बहुत बड़ा फर्क जाएगा, बहुत दूर तक इसका असर जाएगा। देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि रोहिंग्याओं के बच्चों को, घुसपैठियों को, जो पढ़ाई के लिए नैतिक अधिकार, शिक्षा के नैतिक अधिकार की इंडी गठबंधन के लोग जो वकालत कर रहे थे कि उनको जीने, उनको अधिकार दिया जाए पढ़ाई का, उस के तहत एक संस्था के जरिए, एनजीओ के जरिए इंडी गठबंधन ने एक पीआईएल दायर की थी। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सूरत में शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाएगा घुसपैठियों के बच्चों को। मेघ अपडेट्स ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में ये न्यूज़ दिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिंग्या घुसपैठियों के बीच का शिक्षा का अधिकार देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध रूप से भारत में घुसकर राजधानी में रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों के बच्चों को दिल्ली का सरकारी स्कूलों में दाखिला देने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि शिक्षा का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए और इस पर फैसला केंद्र को लेना है। आपको बताना है, ये इतना तगड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए जो रोहिंग्याओं को, जो हिंदुस्तान में लूटपाट कर रहे हैं, ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, उनकी पैरवी करने वालों पे, उनके लिए जो उनके लिए खड़े हैं, उनके लिए कह रहे हैं रोहिंग्याओं को कि भारत में बसाएंगे, आई कार्ड देंगे, मेडिकल कार्ड देंगे, हम शिक्षा का अधिकार देंगे, उनके चेहरे पे एक करारा तमाचा है। इस आदेश से ममता बनर्जी भी हिल गई हैं। सबसे ज़्यादा आप पार्टी के नेता इस समय कोप भवन पे चले गए हैं। अब आप देखिए क्या है, हाई कोर्ट ने अवैध रूप से भारत में घुसकर राजधानी में रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला देने वाली मांग को याचिका खारिज कर दी है। आप देखिए क्या कह रहे थे, नैतिक अधिकार है, मानवाधिकार का। कोर्ट ने भी कहा शिक्षा का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, इस पर फैसला केंद्र को लेना है। अब ये सबक है जो ये कह रहे थे कि विदेशियों को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, जो यहाँ पे आतंकवाद फैलाए हैं, उनको ये अधिकार दे रहे थे, अधिकार की मांग कर, बहुत बड़ा इनको एक सबक मिला है। अब देखिए, वहीं टीआर निवास नामक एक शख्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे क्या पोस्ट किया है, टीआर सिन्हा, इस वकील द्वारा दायर इस तुच्छ जनहित याचिका के पीछे कौन है, इसका पता लगाने की ज़रूरत है। उसने अदालत में खुद को मूर्ख बना दिया। जिस एडवोकेट ने दायर किया, अशोक अग्रवाल एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, अच्छे एडवोकेट है, मगर उनके पीछे कौन है ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अदालत में खुद मूर्ख बना लिया है, याचिका के पीछे कौन है इसका पता लगाने की बहुत ज़रूरत है कि विदेशियों को, जो यहाँ के तमाम आतंकवादी, तमाम लूट डकैती, भारत की डेमोग्राफी को बिगाड़ने वाले लोगों का जो बैकिंग कर रहा है, उनके लिए मांग कर रहे हैं, अशोक अग्रवाल नहीं, उनके पीछे जो दिमाग लगा हुआ है, जिन लोगों ने ये पीआईएल दायर कराई है, उनका पता लगाना भी ज़रूरी है। एडवोकेट अशोक अग्रवाल अपीयरिंग फॉर द पेटिशनर कंटेंडेड दैट द रोहिंग्या चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू स्टडी द लोकल स्कूल पर्सुएंट टू द राइट टू एजुकेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कोर्ट हाउएवर ऑब्जर्व्ड दैट परमिटेड स्कूल एडमिशन वुड अलाउ फॉरेन नेशनल टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम विच कैन नॉट बी फैसिलिटेटेड बाय द कोर्ट, दे विल कम इन टू द मेन स्ट्रीम, ही कैन नॉट अलाउ दिस, दिस इज ए पॉलिसी डोमेन, लेट द पॉलिसी डिसीजन बी टेकन बाई गवर्नमेंट, इट इज नॉट फॉर अस द कोर्ट अपॉइंट, पॉइंटिंग आउट दैट समथिंग दैट कुड नॉट बी डन डायरेक्टली शुड नॉट बी
परमिटेड इनडायरेक्टली आफ्टर अग्रवाल इम्फेसिस्ड आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्पीक्स द चिल्ड्रन नॉट इंडियन। आप देखें वही सोशल मीडिया अकाउंट में संदीप कुकरेती ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में क्या पोस्ट किया है। दिल्ली रोहिंग्या व्यक्ति, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हमें मुफ्त पानी, मुफ्त घर, मुफ्त खाना, मुफ्त कपड़े, मुफ्त बिजली दी। रोहिंग्या महिला अमानतुल्ला खान ने कहा, रोहिंग्याओं में अमानतुल्ला खान ने खुद कहा था जो MLA है कि 10,000 प्रत्येक दिए, हम आपसे बहुत खुश हैं, आपने रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया और उन्हें आश्रय दिया। लेकिन याद रखें कि यह आप है जिसके नेतृत्व में केजरीवाल ने CA का विरोध किया था और कहा था कि पड़ोसी इस्लामिक देश से भारत में पलायन करने वाले लाखों हिंदुओं को आश्रय, भोजन और पुनर्चयन कौन देगा, कभी माफ न करेगा, कभी न भूलेगा। खुलेआम अमानतुल्ला खान इन लोगों की वकालत करते हैं, खुलेआम आप पार्टी वकालत करती, आप पार्टी के लिए बहुत झटका। आज केजरीवाल के लिए आप समझ लीजिए पूरी पार्टी को भवन में चली गई। महाराष्ट्र में भी यही स्थित है कि रोहिंग्याओं के वजह से कांग्रेस वहाँ चू, रोहिंग्या के जो ये आदेश हुआ है, कांग्रेस शरद पवार की पार्टी, उद्धव की शिवसेना पार्टी आज को भवन में पहुँच गई। जो बांग्लादेशियों का विरोध करते थे खास तौर से उद्धव ठाकरे, वो भी आजकल मौन समर्थन कर रहे थे रोहिंग्याओं का। अब देखिए क्या स्थित है, अब स्थितियां जो हैं उसमें साफ है। आपको बता दें रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए सोशल जूरिस्ट नाम का एक NGO था जो सिविल राइट के लिए काम करता है। आपको बता दें इस संस्था की भी जांच होनी चाहिए, इस पर सीनियर एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने दायर की थी इनकी ओर। ये संस्था जो है सोशल जूरिस्ट, इसको बैकिंग है बड़े बड़े नेताओं की, इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं की। इंडी गठबंधन लगातार रोहिंग्याओं का समर्थन कर रहा है। ममता बनर्जी खुलेआम कहती है मैं उन्हें ID कार्ड दूंगा, सारी सुविधाएं दूंगा। केजरीवाल खुलेआम कहते हैं शरद पवार, महाराष्ट्र में कांग्रेस की जीत की वजह यही। मैं आपको ये भी बता दूँ दिल्ली में लगभग 25 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं दिल्ली में, और दिल्ली में जमुना जी के किनारे लगभग 15 लाख है, कुल मिला के 40 लाख, और बॉम्बे में महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, 1 करोड़, जिसमें अगर उनकी इतने तो हैं जो बाकायदे कार्ड बना चुके हैं, इसके अलावा 1 करोड़ और एक्स्ट्रा हैं जो अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। अगर आज इन लोगों पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, पूरी कांग्रेस हिल गई, महाराष्ट्र यही पोजिशन जो है वो झारखंड में रोहिंग्याओं की आबादी बहुत ज़्यादा। अब आपको बता रहे हैं कि जस्टिस मनमोहन जी और जस्टिस तुषार राव गोंडेला ने ये निर्णय जब किया है, उन्होंने कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क करें, पहला कदम हाईकोर्ट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार जो है ये एक बच्चे गलत है और इनको आदेश करना गलत है, ये बच्चे भारतीय नहीं है। बच्चों का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया भारत में आकर जाए और आके रहे, यहाँ पढ़ाने की गारंटी दें। उन्होंने ये भी कहा हाईकोर्ट ने, सुरक्षा और राष्ट्रीयता ये जरूरी है। जितना तगड़ा आदेश ये हुआ है बहुत बड़ा सबक है, ये भी हाईकोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी नागरिकता अधिनियम में 1955 की धारा 6A संवैधानिकता को बरकरार रखा है। दुनिया में कहीं अदालत इस तरह का निर्णय नहीं दे सकती है जैसा आप निर्णय लेने आए कि रोहिंग्याओं को अधिकार दीजिए। कुल मिला करके ये हम आपको बता रहे हैं दिल्ली के चुनाव पे आपके लिए ये ताबूत की आखिरी कील हो गई, और महाराष्ट्र और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में ये कांग्रेस की ताबूत की ये आखिरी कील है, और ये निर्णय देश के इतिहास में लिखा जाएगा, देश की तवारीख में ये याद रखा जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।